नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये पूरी तरीके से मोटिवेशनल है। इसमें ना कोई एजुकेशनल है और ना कोई इंफॉर्मेशनल है, पूरी तरीके से एजुकेशनल है। संडे का दिन है और आज का जो वीडियो है ये ऐसा मोटिवेशनल है जो अगर आप शुरू से लेके अंत तक देख लिए तो मेरा यकीन मानिए कि अनसक्सेस के सारे दरवाजे जिंदगी भर के लिए आपकी जिंदगी से जुदा हो जाएगी। बस शर्त इतनी है कि मुझ पे इतवार कीजिए और खुद पे इतवार कीजिए, फिर अनसक्सेस के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। बस शर्त इतनी है कि आप इन 8 बातों को जब तक है जान अपनी जिंदगी में संजो के रखिएगा, फिर आपके पास में कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको अनसक्सेस के मोड़ पे लेके जा सकती है। दोस्तों, बातें बहुत दिन से हो रही थी कि सुजीत सर कुछ ऐसा वीडियो बनाओ, कुछ ऐसा कमाल करो जो प्रीलिम्स में भी काम करे, मेंस में भी काम करे और इंटरव्यू में भी काम करे, क्योंकि 66 का प्रीलिम्स भी दिसंबर में है, 65 का मेंस भी दिसंबर में है और 64 का इंटरव्यू भी दिसंबर में है। तीनों एग्जाम दिसंबर में है। कोई ऐसा वीडियो लाओ जो तीनों के लिए रामबाण प्रूफ हो, कोई ऐसा वीडियो लाओ जो ब्रह्मास्त्र हो जो तीनों को भेद सके। ऐसे कंडीशन में बहुत दिन से सोचते सोचते स्क्रिप्ट लिखते लिखते हमने उन तीनों के लिए ये 8 बात आपके सामने लेके आ गए हूं, जो अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए तो आपका, मैं गारंटी यहां से आंख में आंख मिला के कह सकता हूं, आपका प्रीलिम्स कोई बाहर निकलवा दे तो मुझसे कहिएगा, आपका 100% प्रीलिम्स होगा। अगर अब तक नहीं हो रहा था, चाहे आप पटना में हो, प्रयागराज में हो या मुखर्जी नगर में हो, 2 साल हो, 3 साल हो या पंचवर्षीय योजना हो, लेकिन अब निकलेगा प्रीलिम्स। या फिर मेंस में ऐसी कंडीशन हो कि हर बार वही तमाशा हो रहा है, बार बार प्रीलिम्स कर रहे हैं और मेंस से बाहर निकल रहे हैं, या फिर उन ऐसे स्टूडेंट जो इंटरव्यू में जाने के बाद में बाहर का रास्ता देख लेते हैं और फिर से इतनी दूरी तय करना एक अपने आप में टीढ़ी खीर की तरह है, तो इन तीनों के लिए सुरक्षित कर दूंगा अगर आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो। बस शर्त इतनी सी है कि आप मेरी बातों पे यकीन कीजिए, क्योंकि जो भी बात मैं बोलूंगा अपने नॉलेज के बेस पे बोलूंगा, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलूंगा, कोई भी बात ऐसा नहीं होगा कि मैं थ्योरेटिकल बोलूंगा, बल्कि सारी की सारी बात प्रैक्टिकल बोलूंगा और जो अपने साथ में मैंने किया हूं वही बात बोलूंगा। अगर आप किए तो सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी, बाकी सोचना आपको है। आइए एक एक बात को आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर रखा जाए, क्योंकि मैंने कई बार अपने वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो इसको दीजिएगा यही ये अपना इनपुट देगा, जो इसके अंदर इनपुट जाएगा वही आउटपुट आपका बाहर निकलेगा। प्रॉब्लम पूरी दुनिया में जो आपके साथ में है ना, सिर्फ ये है, मेरा यकीन कीजिए, मेरी बात मानिए, सारी प्रॉब्लम का जड़ इसी के अंदर है। अगर इसको सही तरीके से सेट कर लिए, सही टाइम पे ये आपका काम कर गया, तो यकीन मानिए दुनिया में कोई भी आपको गिरा नहीं सकता है, दुनिया में कोई भी आपको भटका नहीं सकता है और दुनिया में कोई भी आपको अनसक्सेस के रास्ते पे जाने पे मजबूर नहीं कर सकता है। बस इसको स्ट्रॉन्ग रखना है और इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ना तो कोई ड्राई फ्रूट की जरूरत है, ना तो कोई जूस की जरूरत है, बल्कि इसको सेट करने के लिए आपके पास में बस सोचने के लिए और प्रेजेंट ऑफ माइंड की बेहद जरूरत है और इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना होगा। चलिए एक एक बात को समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास खुद पर रखिए, आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। अगर जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर अभी तो बस 66 का फॉर्म भरा हो, बस किसी तरीके से पास कर जाऊं सर मेंस के लिए, अरे रुको रुको, मेरी बात मानो, ये सोच के मत करो, बल्कि ये सोचो कि इंटरव्यू कॉल आएगा आज अभी इसी वक्त से, क्योंकि जैसा पेड़ लगाओगे ना वैसा ही फल मिलने वाला है। इसलिए जब पेड़ ही लगा रहे हो ना तो बड़ा पेड़ लगाओ ना, बड़ी सोच रखो ना, क्योंकि बड़ी सोच रखने वाले के साथ में छोटी छोटी चीजें कभी जिंदगी में आती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग बस छोटी छोटी चीज सोचते हैं, बस किसी तरह सुजीत सर बस किसी भी तरीके से प्रीलिम्स हो जाए, उसके बाद क्या कर लोगे, बोलो जवाब दो,
उसके बाद तो मेंस जाना ही पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू से तो गुजरना ही पड़ेगा, तो बेहतर है ना आज अभी इसी वक्त जिस समय ये वीडियो देख रहे हो अभी से ही अपनी जिंदगी में ये ठान लो कि इंटरव्यू कॉल को मैं अपने घर पे बुलाऊंगी, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे। और यही चीज आपको मेंस में भी करना है, क्योंकि मेंस का भी एग्जाम दिसंबर में ही हो, कुछ भी हो जाए अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। हमेशा बी पॉजिटिव, क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है बल्कि ऊपर बैठा हुआ कृष्ण के हाथ में है, बस आपके हाथ में है कि अपना 100% और अपना बेस्ट दे सके। वो आप कर रही हो और वो आप कर रहे हो, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रखना है। रिजल्ट अच्छा आएगा या रिजल्ट बुरा आएगा वो दोनों पे मेरा कोई जोर नहीं है, आपका भी जोर नहीं है, बस जोर इतना सा है कि अपना बेस्ट देना है, और वही इंसान अपना बेस्ट दे सकता है जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो खुद पे विश्वास रखिए ना, बी पॉजिटिव कि कुछ भी हो जाए हमेशा विश्वास में रखिए रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में है तो रिजल्ट को तो पॉजिटिव ही आना होगा, और जो स्टूडेंट निगेटिव में है तो गारंटेड है कि उसका रिजल्ट निगेटिव में ही आएगा। क्लियर? तो ये पहली पॉइंट हुआ कि खुद पे आज अभी इसी वक्त विश्वास कर लीजिए कि मेरा इंटरव्यू कॉल आ रहा है, बस इससे आगे न इससे पीछे, बस इंटरव्यू कॉल मेरे घर पे आएगा तो आएगा, इंटरव्यू को मेरे घर का एड्रेस पता है तो पता है, आयोग चाहे कितना भी कुछ कर ले इंटरव्यू कॉल तो हमारे घर पे भेजेगा ही भेजेगा। और ये विश्वास अंदर रहेगी तो यही छोटी छोटी चीजें एक दिन बड़े पेड़ के रूप में परिवर्तन हो जाएगी, और हमेशा आप पॉजिटिव रहिएगा। क्लियर? दूसरी बात, सारे प्रश्न बनाने की हद तक कोशिश करें, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इंटरव्यू वाले नहीं, ध्यान रखिएगा इंटरव्यू वाले नहीं कि सारे क्वेश्चन का जवाब देना है, पहले इंटरव्यू वाले से शुरू करते हैं। 64th का जो लोग इंटरव्यू देंगे, जरूरत नहीं है कि सारे क्वेश्चन का जवाब देना और उससे आपका इंटरव्यू में अच्छा नंबर आएगा, जरूरत यह है कि जो प्रश्न आएगा उसी का ही जवाब हमें देना है, जो नहीं आता है प्यार से हल्की सी मुस्कुराहट देके बता देना है सॉरी सर, क्योंकि सॉरी बोलना बीपीएससी में आपका पॉजिटिव माना जाता है, और गलत जवाब देने का मतलब है सीधा आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपके पास में है, जिस ऑप्शन को इस वीडियो के बाद में पकड़िएगा वही आपका फ्यूचर होने वाला है, तो बेहतर है ना सॉरी बोलते हैं। अरे उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा ना जो सबसे इंटरेस्टिंग आप जवाब दीजिएगा, वही से आपका पॉजिटिव शुरू हो जाएगा, इसलिए बिलीव रखिए। बात रहते हैं मेंस की, आते हैं मेंस में, हद तक कोशिश कीजिए कि जो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाने की, ये नहीं सोचिए कि मुझे बस 3 आता है तो 3 ही बनाना, मुझे 5 आता है तो 5 ही बनाना, मुझे 6 आता है तो 6 ही, नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि बनाने का, कि किसी भी हालात में इंटरव्यू कॉल को अपने घर पे बुलवाइए, और इंटरव्यू कॉल को घर पे बुलाने के लिए सारा खेल है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना और शब्दों का खेल खेलना। उसी तरीके से प्रीलिम्स में है, प्रीलिम्स में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि नहीं 150 क्वेश्चन क्या है, जो सही आएगा वही मैं बनाऊंगी, अरे ऐसा गलती मत करो, क्योंकि निगेटिव नहीं है बीपीएससी में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 150 के 150 क्वेश्चन को मार के आओ, जो सही है वो तो है ही है और जो गलत है क्या दिक्कत है, अगर गलत हुआ तो हुआ और सही हुआ तो नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मेंस रुक गया और उनका एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो गया, इसलिए ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। तीसरी बात, प्रश्न बनाने से पहले सारे प्रश्न का फॉर्मेटिंग पहले कर लें। कहने का मतलब ये, दोनों में प्रीलिम्स और मेंस, पहले आते हैं मेंस वाले के लिए, क्वेश्चन बनाने से पहले बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सुजीत सर पहले ये बना लेते हैं, ये तुरंत बनाना, क्वेश्चन देखे और बनाना शुरू कर दिए, नहीं रुको, कभी ये गलती मत करो, क्योंकि यही गलती करने की वजह से अब तक आपका इंटरव्यू कॉल घर पे नहीं आ पाया है। सबसे पहले देखो कि कौन सा प्रश्न है जो आपका बनेगा, उन सारे क्वेश्चन पे टिक लगाओ, उसके बाद सबका फॉर्मेटिंग करो, क्योंकि फॉर्मेटिंग जिस समय आप करोगे उसी समय कुछ ऐसे ऐसे शब्द आ जाएंगे, उसको भी साइड में रख लीजिएगा, क्योंकि रफ में पहले फॉर्मेटिंग कर लो, क्योंकि अगर फॉर्मेटिंग करोगे तो जब लिखना शुरू करोगे, क्योंकि लिखना जब स्टार्ट होता है तो दिल दिमाग और धड़कन तीनों कुछ नहीं सोचती है, बस यही सोचती है कि जितना जल्दी हो सके पेज को भर दो, क्योंकि टाइम स्टार्ट हो चुका है।
तो ऐसे कंडीशन में अगर फॉर्मेटिंग बना रहेगा तो टू दी पॉइंट और सही ट्रैक पे चलोगे, और अगर फॉर्मेटिंग नहीं रहेगा तो फिर वही बात है, पूछ रहे हैं पापा का नाम, बता रहे हैं नाना जी का नाम, और यही लोगों के साथ गलती होती है और इसी वजह से इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब रहा कि सर जो लोग प्रीलिम्स के लिए, उनके लिए क्या बोलोगे, उनके लिए ये कि सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले, जैसे ही आप देखते हैं अगर सारा क्वेश्चन आता है तो कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता है और उसकी वजह से गलती हो जाती है। और अगर कम क्वेश्चन आया, खोले पहला पेज में एक भी सुजीत सर नहीं आ रहा, दूसरा पेज खोले फिर कुछ नहीं आ रहा, तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और डिप्रेशन से गलती करके चले आते हैं, और ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, आपका प्रीलिम्स रुक जाता है। तो ऐसे कंडीशन में खुद को फिर से कराओ पॉजिटिव बनाकर रखना है। कोई बात नहीं है, अगर मुझे नहीं आ रहा ना तो इसका मतलब है कि बीपीएससी में जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं किसी से क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ये हुआ पॉजिटिव। लेकिन अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे तो डिप्रेशन की वजह से गलत करके चले आएंगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत, और जब जब आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा तब तब आपका प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा। ये मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये रियलिटी आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, सोचना आपको है। ऐसे भी मेरा तो वक्त जा चुका है, आपका तो शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, सबसे पहले उन प्रश्नों को लिखें जिनमें आपको लगता है कि 100% दे सकते हैं, मेंस वाले उन प्रश्नों को देखिए, यह मत सोचिए कि कौन क्या लिख रहा है, क्योंकि एक अलग तरीके का फोबिया बन गया है कि अरे ये क्वेश्चन सबको आ रहा होगा तो सब लिखेगा। अरे ना, ऐसा गलती मत करो, बल्कि वही करो जो आपका दिल कहता है। सीधा सा मतलब है, उस क्वेश्चन को उठाओ जिसमें आपको लग रहा है कि इस जमाने में आपसे बेहतर उसका आंसर कोई नहीं लिख सकता है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखो। क्योंकि एग्जामिनर जैसे ही कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले देखता है पहला क्वेश्चन, उसी में उसको इंटरेस्ट आ जाता है और लग जाता है कि अच्छा ये अच्छा लिखा, तो फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है और आपका नंबर इतना आ जाता है कि आसानी से इंटरव्यू कॉल घर पे चले आता है। यहां पे डेमो के साथ में आपको बताने की कोशिश करूंगा। कभी आप देखें, आज तो कुकर का जमाना हो गया, पहले माता जी क्या करती थी, एक डेकची होता था उसमें चावल बनाती थी, उसमें पूरा चावल को नहीं देखती थी बल्कि एक दो चावल को दाब देती थी, जिससे पता चल जाता था पूरे वो डेकची के अंदर चावल जो है पूरे तरीके से पक गया है। सेम कंडीशन यहां भी करता है एग्जामिनर, बस एक दो क्वेश्चन देखने से ही उसे समझ में आ जाता है कि ये स्टूडेंट जो है वाकई में एसडीएम के लायक है या नहीं है, इसका इंटरव्यू कॉल बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, क्योंकि वहां चेक करने वाला एसडीएम तो ही ढूंढता है, वो तो चाहता है कि मुझे मिले, लेकिन वैसा मिलेगा तब तो सारे का वही हालत होती है। तो इसलिए जो सबसे बेहतरीन लिख सकते हैं उसी क्वेश्चन को सबसे पहले लिखने की कोशिश कीजिए, फिर चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे साइंस टेक का हो, चाहे स्टेटिक्स का हो, चाहे करंट अफेयर का हो, जो आए सबसे पहले उसी को लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, ये मत सोचो क्या होगा, बस ये सोचो कि इस बार एसडीएम बनना है तो बनना है, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, बस एक लाइन का आंसर है। क्योंकि मेरे पास उसके बाद लौट के ना तो वक्त मिलेगा, ना तो लम्हा मिलेगा, और ना ही तैयारी करने के लिए हमारे पास आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि दोबारा मैं कर सकता हूं, इसलिए मेरे पास जिंदगी का अंतिम है, और इसी अंतिम गेम में या तो क्यूट कर जाऊंगा या तो फिर इस गेम को ऑफर करके दिखा दूंगा। दोनों ऑप्शन आपके पास में है, जिस ऑप्शन को आज आपने चूज कर लिया वही आपका फ्यूचर होने वाला है, या तो गेम को छोड़ दो या तो गेम में पूरे अंतिम दम तक सक्सेस करके जमाने को दिखाओ, क्योंकि जमाना सिर्फ आपके अनसक्सेस का इंतजार करती है। यह गलत धारणा है जिसने भी आपके दिमाग में रखा कि जमाना आपके सक्सेस के इंतजार करती है, नहीं, जमाना कभी नहीं चाहती है कि आप सक्सेस करो, क्योंकि जमाने को एक कोई मुद्दा चाहिए, मुद्दा, और वो मुद्दा अनसक्सेस का मुद्दा होता। अच्छा, सिंह जी का बेटा गया था दिल्ली, सिंह जी का बेटा गया था पटना प्रयागराज, आ गया लौट के, ये मुद्दा ज्यादा चलता है। अगर सक्सेस कर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा, फिर तो मजबूरी से कहना पड़ेगा कांग्रेचुलेशन पास कर गए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जमाना को आपके सक्सेस से मतलब नहीं है, जमाने को आपको अनसक्सेस से मतलब है, लेकिन आपको खुद से और अपने सक्सेस से मतलब रखना चाहिए। इसीलिए कभी भी मददगार मत बनना, बल्कि एक तरीके से अपने आप पे, सिर्फ अपने आप के लिए कोशिश करना, यानी कि खुद के लिए जीने की कोशिश करो, खुद के लिए पहले करो, पहले खुद सक्सेस बन जाओ फिर मददगार बनना।
क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सबकी आशाएं आपसे जुड़ी हुई है, अब आपके ऊपर है कि आप सच करके दिखाएं, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बूढ़े मां बाप हो जिसने कर्ज लेके आपको पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर छोड़ आए हैं, सबकी आंखों की तारा सिर्फ आप हो, सबकी आशाएं आप हो, सबकी इच्छाएं आप हो, सब कोई आपके ऊपर पूरी तरीके से टकटकी लगा के नजर झुकाए हुए है। अब आपको करना है कि सक्सेस या अनसक्सेस, दोनों ऑप्शन आप ही के पास में है, जिस ऑप्शन को आज चूज करोगे वही आपका फ्यूचर होने वाला है। इसलिए याद रखना, क्योंकि सक्सेस सिर्फ आपका नहीं है और सक्सेस अकेले उठाना आपकी औकात के बराबर नहीं है, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप सक्सेस को संभाल सको। इसलिए आपकी सक्सेस पे सबका हक है, उतना हक जितना मेरा है उतना ही आपका है, जितना आपका है उतना ही आपके मां बाप का है, जितना आपका है उतना ही आपका समाज का है, और जितना आपका है उतना ही इस हिंदुस्तान का है। इसलिए याद रखना, सक्सेस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, बल्कि हर वो लोग जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, सारे लोग की निगाहें आपके ऊपर है। अब सोचना आपको है कि इन सारे लोगों की इच्छाएं को पूरी करना है या इन सबको आंसुओं के सैलाब में डुबो देना है, क्योंकि ये सब कुछ आप ही के ऊपर है। इसलिए आपको सक्सेस करना उतना ही जरूरत है जितना एक प्यासे को पानी की जरूरत है। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आप किस्मत वाले हैं जो ये अवसर आपको मिला है। आपको पता है इस हिंदुस्तान की, इस बिहार की बात करूं, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे टैलेंटेड हैं और गलियों में घूम रहे हैं, वजह क्या पता है, उनको ये मौका नहीं मिला जो मौका आज अभी इस वक्त इस लम्हे में आपको मिला है। और बहुत टैलेंटेड है, अगर उनको बैठा दिया जाए ना तो इंटरव्यू तक उन्हें दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक के दिखला दे। उनसे जाके पूछ लो जिनका एज और अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है, बस वो हर पल अपने आप से, अपने ईश्वर से एक बार कहते, बस भगवान एक बार मौका दे दो, मैं आग लगा दूंगा, सुनामी पैदा कर दूंगा, सामने जो आएगा ना सबको चीर दूंगा, लेकिन इस बार इस नियम बन के दिखाऊंगा। और आपके पास में अभी दो दो तीन तीन मौका है, फिर कहां सोए हो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये मौका आपको मिला है, फिर चाहे आपको 64th का इंटरव्यू देने का मौका मिला हो, चाहे 65th का मेंस देने का मौका मिला हो, या फिर 66 का प्रीलिम्स देने का मौका मिला हो, अगर ये तीनों मौका जिन लोगों को मिला है, मैं सर झुका के सजदा करता हूं कि आप वो भाग्यशाली इंसान है जिनको ये मौका मिला है। और अगर ये मौका आपने हाथ से गवा दिया तो यकीन करो, मेरी बात को अपने दिल दिमाग और धड़कन में लिख लो, ऐसा मौका लौट के आपको नहीं मिलने वाला है। सोचना आपको है। नेक्स्ट और लास्ट जो है, अगर आपको कोई कहता है कि आपसे नहीं होगा तो मेरा एतवार कीजिए, अगर आपका नहीं होगा तो इस जमाने में किसी का नहीं होगा, गारंटी में कह सकता हूं, मेरे सामने लाके दिखा दो। क्योंकि अगर कोई भी इंसान आपसे बड़ा हो, आपसे छोटा हो, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो अनसक्सेस हो, अगर आपसे ये कहता है कि आपसे नहीं होगा तो सीधा एक लाइन में वो बोलना चाहता है कि हम नहीं किए हैं, तुम भी नहीं करोगे, बस इसके सिवा वो कुछ भी नहीं कहता है। वो मेरे सामने लेके आओ, तुम ही कर सकते हो, अगर तुम नहीं कर सकते हो ने, तो यकीन से के साथ में कह सकता हूं, दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं, इस जमाने में कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि दुनिया तुमको क्या कहती है, क्योंकि दुनिया हमेशा पैर खींचती है, दुनिया कभी हाथ नहीं खींचती है। जिस दिन दुनिया हाथ खींचना शुरू कर देने तो उस दिन दुनिया ये नहीं कहेगी कि ये तुमसे नहीं होगा, बल्कि ये तुम ही से ही होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो मैं खड़ा हूं। बस एक बार तुम अर्जुन बनने की कोशिश करो, मैं तो कृष्ण बनने के लिए हमेशा बाहें खोल के तैयार हूं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो आपके दिल दिमाग और धड़कन को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। दोस्तों अगर हो सके तो मुझे अगर लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर कर सकें, जिस तरीके से आपकी जिंदगी आज अभी इसी वक्त पूरे तरीके से लग गया कि सुजीत सर मेरा हो रहा है, शायद अगर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो किसी और स्टूडेंट के पास जाने के बाद उसे भी लगेगा मेरा भी हो रहा है, जैसे मैं आपके लिए गॉडफादर हूं वैसे ही आप किसी और के लिए गॉडफादर बनिए। थैंक यू, नमस्कार।